पहला रोजा सऊदी में। खलील भाई के लिए खास करके दुआ कर तो मैं। अलग जैतून है इसमें। ये है जजीरा मॉल भाई। रमजान का महीना है माशाल्लाह, अच्छा रमजान चल रहा है चारों। मस्जिद में जाएंगे 22 लोग इधर, 22 लोग आराम से बैठ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेली फरीज ब्लॉग। आज शनिवार है यानी कि हफ्ता है, आज हमारा पहला रमज़ान है। तो आप सबको रमज़ान मुबारक, चांद मुबारक। इंडिया में होता है संडे के दिन यानी कि पहला रमज़ान। अभी मैं तुमको मिलूँगा एकदम सहरी के टाइम पे, क्योंकि अभी मैं ना आज मेरा कुछ काम है, मैं इसीलिए अभी आज पूरा दिन नहीं मिलूँगा, एकदम सहरी के टाइम पे मिलूँगा। तो तब तक वेटिंग है। नहीं, सुबह के बज रहे हैं, मतलब रात के 2 बज रहे हैं। हम लोग सहरी की इंतज़ार कर रहे हैं, सहरी का। अभी आज पहला रोजा सऊदी में, हफ्ता है और 2 तारीख है, अप्रैल का महीना है। तो अभी जा रहे हैं रूम में। सहरी की बिरयानी का, मुर्गी बिरयानी बना रहे खलील भाई रात के 2 बजे। खलील भाई के लिए खास करके दुआ करता हूँ मैं, खास करके खलील भाई, ये रमजान का महीना पूरा ताकि अल्लाह इनकी उम्र में और बरकत दे, पूरी जो भी बोलने में जो भी भूल चुली है सब बरकत दे। बिरयानी है, हो गया, शुक्रिया खलील भाई को। देखो टाइम, देखो टाइम, देखो 2 बज रहा है रात के, देखो टाइम, देखो सऊदी के मतलब इंडिया के 5 बज रहा होगा नहीं इंडिया के। हाँ तो दोपहर के बज रहे, डेढ़ बजे हो रहा है टाइम। एकदम सहरी में ब्लॉग शुरू किया था, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, सोया था, सहरी करके सुबह नमाज पढ़ के सो गया मैं, सो के एकदम 12 बजे उठा जोहर के टाइम पे। अभी जा रहा हूँ ड्यूटी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ा हूँ, आज का पहला रोज़ा सऊदी अरब में हफ्ते के दिन। तो अभी जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, वो मखमज बोल के एक रोटी का दुकान है, वहाँ पे जा रहा हूँ रोटी लाने के लिए, शाम के लिए, मेरे लिए नहीं मैडम के लिए। अभी चलेंगे और रियाद पार्क के रोड के पास है, अभी चल के लेके आएंगे। यहाँ पे ना लगता नहीं हम लोग रोज़ा है बोल के, क्योंकि हम लोग ना बाहर घूमते नहीं ना, ज़्यादातर अंदर ही रहते हैं। अभी यहाँ पे इफ्तार करने का आपको दिखाता हूँ मैं शाम के टाइम पे, कैसा हम लोग रोज़ा छोड़ते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीका, मतलब यहाँ का कल्चर, यहाँ का अंदाज। पिछले 2 साल से ना हमने मस्जिद में रोज़ा नहीं खोला है, क्योंकि कोरोना के टाइम था ना, तो रूम में रोज़ा खोला है। तो अभी आज पता चलेगा कि आज यहाँ पे मस्जिद में क्या होगा, तो वो भी दिखाऊंगा कि मतलब सऊदी लोग नहीं रहते हैं, पूरे हम ही लोग रहते हैं, अजनबी लोग, मतलब बाहर वाले, हर एक चीज़ रखा जाता है यहाँ पे रोज़े में। आज दस्तरखान बिछेगा या नहीं बिछेगा मैं दिखाऊंगा क्या होता है, कैसे होता है। और रही बात ना, हम लोग ज़्यादा इसीलिए बाहर नहीं, पता नहीं चलता है कि रमज़ान का महीना है, रोज़े का महीना है, हम लोग रोज़ा है। हम लोग गर्मी हमको दिखती नहीं है, क्योंकि एसी में बैठते हैं और नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, फिर उठते फिर नमाज़ पढ़ते फिर सो जाते। मेरा तो यही हुआ है 3 साल, पता नहीं चलता है कि रमज़ान का महीना कैसा जाता है। थोड़े ना सीधा जाओ तो रियाद पार्क मॉल जाते हैं, यहाँ पे धनु है और ये यहाँ पे है ना, उस पे जाना है मेरे को रोटी वाले दुकान पे। कहाँ पे अभी दिख नहीं रहा क्या, हाँ ये इसको भी चेंज कर दिया भाई, अभी बहुत 2 साल बाद में आया हूँ मैं यहाँ पे, ये दुकान पे, मतलब रोड पे घूमता हूँ, ये दुकान में 2 साल बाद में आया। अभी चड्डी लेंगे कमामा, अंदर ये सब मिलता है, मतलब मसाले हैं भाई, पूरे सूखे मसाले, देख ले एक बार, लहसुन की चटनी है, सारा
और यहाँ पे लहसुन की चटनी, बहुत तरह तरह के जैतून है, बैंगन का भरता है, सलाद है। ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। ये देख ले, अलग अलग जैतून है इसमें, इतनी तरह के होते हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ। पनीर है, रोटी ले लिया, रोटी के 3 पैकेट ले लिया। अभी जा रहा हूँ जलजीरा मॉल में। अभी मैं ना एक एक चीज़ नोटिस की अभी कि हाँ, अभी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ, पिछले साल जब मैं रोज़े रखता था तो ऐसा मौसम था, अभी वो फीलिंग आ रही है मेरे को। क्योंकि बाहर बाहर आए हुए आधा घंटा हुआ ना मेरे को, रोड पे धूप खाए हुए, तो इसीलिए ऐसी फीलिंग आ रही है अभी। अभी ये है जलजीरा मॉल। टाइम 5:20 हो रहा है शाम के, अभी इंतजार है, बैठे है बस कब रोज़ा खोलते, कब मस्जिद में बुलाते बोल के मैं इसमें पहला जो वीडियो डाला हो ना, कल का वो थोड़ा वीडियो है था, तो 16 नंबर ड्यूटी गया था ना, मैं वो डाला था। अभी मस्जिद में जाएंगे, देखेंगे क्या क्या इंतज़ाम है आज का। लेकिन यहाँ जो है ना भाई, यहाँ का अलग ही सिस्टम है, दिखाता हूँ। हमारे यहाँ पे खाना, अगर किसी दिन अगर दावत भी मिल गई ना, अगर बिरयानी की पैकेट आती है ना, बिरयानी की पैकेट आ गई तो समझो कि भाई खयामत आ गई। ऐसे टूट पड़ते थे हम लोग, दूसरे नहीं हम खुद, मेरे को दे मेरे को दे बोल। यहाँ पे दिखाता हूँ, इतना तमीज सिखाते, थोड़ा सीख लो। आज का रोजा आप सुनाओ, कैसा जा रहा आज का रोजा? यार मैं क्या बोलूँ, बोलो का ना बोलो भाई, रमजान का महीना है माशाल्लाह, अच्छा रमजान चल, अच्छा रोजा चल रहा है भाई। नहीं मतलब जैसे हम तुम लोग पाकिस्तान में करते हो, हम लोग इंडिया में, वहाँ का और यहाँ का क्या चेंज है? यार मैंने तो अभी तक चेंज के बारे में तो पूछा भी नहीं है ना, सुना है। और हमारे पाकिस्तान में जो रमजान है ना, अफ्तारी हम लोग अपने घर पे करता है, नमाज के लिए जब टाइम मिलते है मस्जिद जाता नहीं है। उसकी नहीं बात कर रहा मैं, मतलब काम में जाते हैं तो तकलीफ की बात कर रहा हूँ। तकलीफ की तो भाई पसीना तो बहुत चलता है गर्मी के मौसम में, रमजान आता है, रमजान का महीना गर्मी में आता है ना। हाँ तो भाई हम लोग दिन में चले जाते हैं उधर, तो भाई 9 बजे तकरीबन 9 बजे के बाद तो रात को जो है ना ड्यूटी बंद होता है ना, काम नहीं होता है। हमें पता है, हमें सेंटरिंग काम करते थे धूप में, सुबह 6 बजे नमाज पढ़ के चले जाते थे, और 2 बजे या 3 बजे हम वापस आ जाते थे। तो हमारा भी ऐसा है, एक आज हमारा फुल हो जाए, रूटीन एक ही है हमारा और आपकी। हाँ इंडिया और पाकिस्तान का एक ही रूटीन है, क्योंकि हम लोग भी नमाज पढ़ के, नमाज के पढ़ने के बाद जाता है काम पे, और 2 बजे 3 बजे आता है वापस। अभी हाँ। अभी यहाँ पे पता है क्या हुआ है? हाँ। लगता ही नहीं कि हम लोग रोजा है बोल के, माशाल्लाह। इधर तो ये रमजान के महीने में रात को काम करते है और दिन को छुट्टी होता है ना, और जो जेल को भी ले जा सकते हैं, जो यहाँ का रूल्स है रूल्स फॉलो करना पड़ेगा रमजान के महीने में। ना असल बात ये कि रमजान का महीना है ना, तो जेल हाँ। का दरवाजा बंद है इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह यहाँ पे लेकिन ये वाला ये तो इंशाल्लाह भी बंद होगा, पता चलेगा ना बाद में, आज रात में पता चलेगा, के बाद में पता चलेगा। यार नहीं बंद होगा ये, हाँ। मुमकिन है भाई, ये इतना पैसा लगाया नहीं बंद करेंगे इंशाल्लाह, तो अफ्तारी तो देगा यहाँ पे। हाँ मस्जिद में मैं बात किया अभी वो भाई, सारी को क्या करेगा भाई, सारी को मेरे को तो गाड़ी नहीं देते भाई, हमारे साथ रोटी भी नहीं होते, क्या करेगा भाई, ये तो बहुत मुश्किल है यार। माशाल्लाह अभी यहाँ पे कूलर वूलर लग रहा है, यहाँ पे भी कूलर लग रहा है रोजदारों को बैठने के लिए। यहाँ पे देखो सब आ गया है, सामान वामन सब आ गया है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कैसा किए पकड़ो, कहीं को दिख रहा ना लिया, हाँ।
गया मैं। माशाल्लाह हमारे आसिफ भाई भी आ गए। आसिफ भाई टिशू पेपर लाने। टिशू पेपर अंदर होंगे शायद। 22 लोग इधर, 22 लोग आराम से बैठ सकते हैं। 22 22 लोगों का बनाया है। उतने लोग नहीं आते, कम आते लोग। यहाँ पे खलील भाई बैठ चुके हैं। सब लोग को, सब आदमी को सेम मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, लेकिन बीच गया है लेकिन कोई बैठा नहीं। भैया ये था आज का मेरा ब्लॉग, आज का हमारा पहला रोज़ा। आप सबको रमज़ान मुबारक, चांद मुबारक। आज यहाँ पे दूसरा कल की तैयारी कर रहे हैं। कल यहाँ पे दूसरा रोज़ा है, इंडिया में पहला रोज़ा है। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और रमज़ान मुबारक सबको, आप सबको फिर से। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।